डीसी को माफी मांगनी पड़ी। एक छोटा सा संघर्ष ये हुआ, आज लाखों किसान यहाँ पे पहुंचे। क्या मानते हैं, माताएं बहनें थी जब उनके भी सिर फूटे थे? ये मैं कहूँगी कि ये किसानों की जो एकता थी, किसानों की एकता थी, जो हमारा अनुशासन था, शांति धैर्य से जो हम चल रहे थे, आज किसानों की जीत हुई है। पूरे देश के किसान और मजदूरों की जीत हुई है। जो सरकार ने हमारे सारे भाइयों के, जितने भी बहनों पे, भाइयों पे जितने भी मुकदमे किए थे, वो सब वापस ले लिए। और जो आज एक हमारा किसान भाई यहाँ पर शहीद हुआ है, उसके परिवार से एक सदस्य को नौकरी की बात की है सरकार ने। और हम आगे भी, मैं सारे किसान भाइयों से अपील करती हूँ, ऐसी एकता बनाए रखें, अनुशासन में रहें। जैसे हरियाणा सरकार आज हमारे सामने झुकी है, उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, ऐसे ही एक दिन मोदी सरकार भी तीनों कानून वापस लेगी, एमएसपी पे कानून बनाएगी। ऐसी एकता और शांति से आप धैर्य से अपना आंदोलन जारी रखें। संतुष्ट हो आज के फैसले से? बिल्कुल खुश हैं जी, बिल्कुल खुश हैं। तो अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी माताओं बहनों की अब होगी, क्योंकि एक शगुन शुरुआत होती है, आप लोगों की शुरुआत से ही जीत की तैयारी हो रही है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही कही, इस आंदोलन में पहली बार इस आंदोलन में माताएं बहनें बहुत बढ़ चढ़कर, मैं कहूँगी कि साथ नहीं दे रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं आंदोलन का। और आने वाले समय में ये महिलाएँ जो चल रही हैं, आज जागरूक हो चुकी हैं, अपने हकों को पहचानने लगी हैं, आवाज़ उठाने लगी हैं लाखों लाखों लोगों के बीच में जाके। आने वाले समय में अपने देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देगी मातृ शक्ति। और जो बाकी आपने पूछा कि आगे की क्या रणनीति, आगे जैसे हमारे बॉर्डरों पे धरने चल रहे हैं, टोल प्लाजा पे चल रहे हैं, वो हमारे धरने जारी रहेंगे और ज़्यादा ताकत बढ़ाएंगे। जैसे बीच में थोड़ा गेहूँ निकालने का टाइम था, फिर बीमार बुखार आ गया था, अभी हमने और ज़्यादा मातृ शक्ति भी ज़्यादा वहाँ जाना शुरू करेगी। टिकरी बॉर्डर पर हमेशा हमारी मातृ शक्ति एक एक गाँव से चार चार पाँच पाँच ट्रालियाँ भर के पहुँच रही हैं। तो मैं अभी आज भी मैंने अपील की माताओं से कि अभी दोबारा से फिर वैसे ट्रोलियाँ ला के शुरू करें। बहन जी, एक शुरुआत होगी है, कहीं ना कहीं माताएं बहनें जब आगे बढ़ी थी, हिसार में जब ये कांड हुआ, सबसे ज़्यादा उनकी ही भागीदारी थी, आज भी भागीदारी थी, एक अच्छी शुरुआत मान सकते हैं। क्या छः महीने का आंदोलन अब कुछ पटड़ी पे चढ़ने लगा है? देखो, पटड़ी पे तो चढ़ा ही हुआ था, पटड़ी से उतारने की कोशिश इन्होंने 16 मई को करी थी। इन्होंने जो साजिश के तहत हम लोगों पर लाठियाँ, डंडे, गोलियाँ और गोले तक बरसाए, तो उसका इन्हें लग रहा था कि ये लोग डर जाएंगे, ये लोग मुकदमों से डर जाएंगे, ये लोग लाठी डंडे से डर जाएंगे। लेकिन उन्हें ये हरियाणा की तासीर का ही नहीं पता, यहाँ जितना दबाया जाता है उतना उछाल आता है। तो अब शायद ये प्रशासन समझ गया ये चीज़। यहाँ तो शायद आते आते अंग्रेज भी एक बार ये काम उठे थे कि ये किस तरह की मिट्टी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो दमनकारी नीति नहीं चलती। गृह मंत्री जो है हमारे हरियाणा के अनिल विज, या जो खट्टर साहब है मुख्यमंत्री, उनको इस बात को समझना चाहिए कि राज्य का या जो नेतृत्व है उसका काम होता है जनता के अंदर सामंजस्य बिठा के चलना। ये तो जिद्दी लगाते हैं, अनिल विज तो की तो हिस्ट्री है जिद्दी लगाने की, तो उनको ये समझना चाहिए जिद नहीं चलती होती। आप लोकतंत्र में हो, यहाँ पर आप कोई हिटलर थोड़ी बन गए हो, आपको जब मन करेगा जनता फेंक के मारेगी। आप ठीक है अम्बाड़ा से बन गए होगे, लेकिन अम्बाड़ा का के एमएलए का जोर यहाँ हिसार डिस्ट्रिक्ट में लोग क्यों उठेंगे? हमारा क्या लगता है, ठीक है तेरे कर्म जोर मार गए तो बन गया गृह मंत्री, लेकिन हिसार तेरा नखरा नहीं उठेगा। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ। आने वाले समय में तो आप लोगों ने तैयारी कर रखी कि बीजेपी जेजेपी का पूरी तरह से सफाया करेंगे, हरियाणा में तो दिखेगी नहीं। सफाया तो उन्होंने खुद ही कर लिया ऐसी हरकतें करके, हम क्या करेंगे, हम तो उस पर मोर लगाएंगे, मोर लगाएंगे। 6 महीने पूरे हो गए हैं, आगे की क्या तैयारी है आप लोगों की? तैयारी तो देखो, जो आंदोलन है, जो हमारी हाईकमान है, जो संयुक्त मोर्चा के लीडर्स हैं, वो जिस तरह से नेतृत्व जो हमें निर्देश देंगे। तो जितने लोग यहाँ पे पहुँचे, आप प्रदेश के लोग आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जैसे अभी मेरी मीडिया से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आपका दबाव, आप मतलब आज क्या हाल था, आप दबाव बना पाए। मैं क्या दबाव हमारा नहीं है भाई, दबाव तो उन लोगों का है जो 70-70 किलोमीटर दूर से उठ के आए हैं, तो उनका आपके माध्यम से मैं धन्यवाद करूँगी। अगर कोई आता ही नहीं तो मेरे पल्ले क्या था, या मतलब किसी के भी पल्ले क्या था, ये तो एकता की ताकत है। धन्यवाद। ये तो थे हमारे साथ जो किसान नेत्री थी, और किसान तमाम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि किस तरह की यहाँ पे आज रणनीति बनी, जिसके बाद प्रशासन को यहाँ पे झुकना पड़ा। K9 मीडिया के लिए हिसार से शाहिद चौहान के साथ अरुण कुमार।